station that you already know in the thumbnail. I'll meet you in the car. Guys, just reached here, and that's our car. And weather is not so okay, but it will be okay by 4 p.m. They said us with all the precautions and safety measures. We are here in Chikhaldara, and I'll show you the entire premises of here afterwards. I'll just freshen up myself. एंड मिलता हूँ आपको जल्द. वी आर इन द मिडल ऑफ द पैंडमिक एंड आई एम इन द हिल स्टेशन ऑफ चिखलदारा एंड एंजॉइंग दिस ब्रेड टेकिंग व्यू. बेसिकली दिस इज अ स्काई वॉक विच विल गो फ्रॉम हियर to welcome something where here, and this is a glass walk from which we have अपने को पैदल जाना है. उस पर से ग्लास का पूरा वॉक रहेगा. इसको बनने में लग जाएगा अब 3-4 साल, और देखते हैं 3-4 साल बाद आना हुआ तो मिलाऊँगा आपको वहाँ. और अभी फ़िलहाल ये एरिया में मास्क पहनना ज़रूरी है. बिना मास्क के घूमेंगे तो 500 रुपये फाइन सीधा. ऐसा है होटल टूर, लेट्स गो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिसेप्शन. रिसेप्शन से शुरू करते हैं. वो ये जो है एरिया, ये रिसेप्शन एरिया है. यहाँ बुकिंग्स होती है आपकी, और आपका टेम्परेचर चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होती है. मेरी ऑक्सीजन लेवल आई थी 97 और टेम्परेचर आता 96. और फिर ये होटल एरिया है, यहाँ आराम से बैठ के खाने का व्यू एंजॉय कर सकते हैं. अब भी हमने लंच खाया, दाल फ्राई वगैरह वगैरह कुछ कुछ खिलाते. और फिर ये जो है बताता हूँ, ये एरिया कॉन्फ्रेंस हॉल है. अब तो फ़िलहाल कोई कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही, पर जब कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह होती थी पहले ऑफिसेस के लिए, तब मैं बहुत आया था यहाँ पे तो देखा था कॉन्फ्रेंस बहुत होते थे यहाँ. तो देखो पीछे पूरा पहाड़ ही पहाड़. और मेन बात यह है कि वेदर इतना सही हो गया है अभी,
मैं आपको दिखा था तो वो इतना खास था नहीं वेदर, पूरा गरम गरम लग रहा, 26 डिग्री के आसपास था। अभी टेम्परेचर सीधा ड्रॉप हो गया 20 डिग्री के आसपास, तो बहुत सही फील आ रहा है यहाँ पूरा। और फिर चलते हैं आगे। ये होटल की एंट्री है, होटल आई मीन रेस्टोरेंट की। और ये नहीं, ये जो पूरा होटल एरिया है, रिजॉर्ट एरिया है, उसका मैं मैप छोड़ूंगा यहाँ पे, उसको स्क्रीनशॉट खींच लेना या फिर देख लेना, मैं बता रहा हूँ वैसे ही है पूरा। और जो पीछे इसके पहले जो मैप था वो ऑल द अराउंड चिकलदारा का हिल स्टेशन का मैप था। आई मीन दैट पॉइंट्स वगैरह जो रहते हैं यहाँ लोगों को घूमने के लिए, तो वेदर वेदर ही काफ़ी है वैसे, पर पॉइंट्स वगैरह देख रहे हैं जिनको रहते हैं उनके लिए पॉइंट्स बना के रखे, सब 2-2 किलोमीटर के रीजन में। 2 किलोमीटर यहाँ जाऊँगे तो हरिकेन पॉइंट आएंगे, वहाँ से वहाँ जाऊँगे तो सनसेट पॉइंट आएंगे, सब पास पास में है, इतना छोटा पर खूबसूरत है। यहाँ से शुरू किए थे हमने, ओपन डाइनिंग मैंने दिखाया था आपको, फिर गार्डन में, और अब हम है ये यहाँ रोज़ गार्डन, ये टाइल्स, ये सब दिखाऊंगा अभी आपको, पूरा मैप एक बार देख लो। रिजॉर्ट तो वैसे मुझे लगा खाली होगा पूरा, पर है, लोग तो हैं मुझे दिख रहे हैं, ये कार्स इतने सारे हैं, फिर यहाँ इतने सारे मतलब वो एक के पीछे एक है, आपको लगेगा नहीं तो एक ही दिखा रहा, ये और एक कार। अब एंट्रेंस देख लो, इतना मस्त लगता है एंट्रेंस देख के, कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा, पर मैं जब आ रहे थे ना उसका क्लिप डालूंगा तो उसे देख लेना एक बार। बेसिकली मेरे पीछे जो एरिया है वो गार्डन एरिया है, यहाँ झूले हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, हम भी खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये सारे झूले, स्लाइड्स, छोटा ये रिजॉर्ट में टोटल है 10 डीलक्स रूम है, 2 VIP रूम है, हम VIP रूम में रुके हैं, ये यहाँ वाली। और डीलक्स रूम का रेट कुछ 2400 रुपये है और VIP रूम का कुछ 2700, डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। VIP रूम में 2 TV है, डीलक्स रूम में 1 TV है, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बाथरूम का वगैरह चेंजेस है, थोड़ा लग्जरी ज़्यादा है, पर 300 रुपये, समझ गए ना। ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल ने लगाया है, COVID-19 के हिसाब से इन्होंने सारे रूल्स लिखे हैं, 6 फीट की दूरी वगैरह, कोई 6 फीट तो रहता नहीं है यहाँ पे, सैनिटाइज़र का उपयोग तो कर ही रहे, मास्क पहन के ही रखा हूँ, हाथ धो के आता हूँ। आपसे बात करते करते मैं झूले से गिरते गिरते बच गया, तो मैं चिखलदारा आया कुछ 6th या 7th टाइम, ये मेरा 7th टाइम है आई गेस, यस 7th टाइम। और इसके पहले मैं मोजरी पॉइंट पे एक MTDC का होटल है वहाँ पे भी रह चुका हूँ, और एक होटल है वो डॉर्मेट्री का, सिर्फ डॉर्मेट्री का, तो वो मोजरी पॉइंट का जो होटल है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत सही है, पर वहाँ इतने भीड़ नहीं है, रूम्स तो अच्छे हैं पर भीड़ इतने नहीं है, भीड़ तो मतलब हरियाली जिधर है वहीं ठंडा है, इतना ठंडा है। वेदर दिखाऊंगा अभी रात को, यहाँ पे बॉनफायर वगैरह भी हुई है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, लोग आते ही जा रहे। हम जब आए थे तब एक ही बंदा था, अब 6 गाड़ियाँ और आ गए, देखते क्या होता है। और हमारा कल का भी स्टे है, हम शायद दूसरे और रिजॉर्ट में जाएंगे या फिर यही रहेंगे, कल आपको वो सारे पॉइंट्स के शॉट्स दिखाऊंगा, अच्छे पूरे मस्त, लेट्स।
जो ऊंचा वाला दिख रहा है आपको वो है स्काई वॉक, बनेगा 2024 में। ऐसा है इसका जो एक्चुअल इमेज है, जो बनने वाला है मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ये है रूम हमारी, इट्स ऑल एटर्नल पीस हियर। आगे सब कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा। सुबह का व्यू तो देखने लायक होगा। ये था रेस्टोरेंट जहाँ से हमने शुरू किए थे, ये स्काई वॉक का दूसरा, और वो जो दिखा है वो पहला। लेट्स मीट यू इन द इवनिंग। नेक्स्ट डे इन चिखलदारा, इट्स अराउंड 8 बजे। वी आर गोइंग टू थोड़े स्पॉट्स वगैरह देख के आते हैं। वेदर इज टू कूल नाउ, बारिश भी हो रही है। इधर नीचे पूरा पहाड़ है, उसमें पानी गिर रहा। ये मंदिर है, घंटी की आवाज। पहाड़ के नीचे मंदिर है।